तो ऐसी जेट्स क्या होते हैं एस ई जेट्स इस्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि ऐसे जोन्स जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक लॉज एप्लीकेबल होते हैं ये पहली बार जो है आया था एक अप्रैल 2000 में द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट केम इनटू इंसेप्शन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2000 थाउजेंड ऐसी जैसे जिस जियोग्राफिकल रीजन दैट हैज़ इकोनॉमिक लॉज़ डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉ यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहाँ पे जो अदर पार्ट में इकोनॉमिक लॉज होते हैं उनसे हट इस एरिया में इकोनॉमिक लॉस होते हैं डिफरेंट होते हैं यूजली द गोल इज़ टू इंक्रीज फॉरन इन्वेस्टमेंट तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इकोनॉमिक लॉ होते हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि फॉरन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना है तो इसलिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो डेवलप किया जाता है द मेन अंडरलाइंग पर्पज़ बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एसीजेट्स इज टू क्रिएट ए हैसल फ्री इन्वायमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है और फॉरन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है तो यहाँ पर इसलिए अलग इकोनॉमिक लॉ होता है यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स लॉ इन एरियाज के लिए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर टिपिकल इकोनॉमिक लॉ ऑफ द अदर पार्ट ऑफ कंट्री तो द टर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैन इंक्लूड फ्री ट्रेड जोन आप इसको फ्री ट्रेड जोन के नाम से भी सुनते होंगे एफ टी जेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है फ्री जोन या फ्री इकोनॉमिक जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल स्टेट्स के नाम से भी इसको बोलते हैं फ्री पोर्ट के नाम से भी जानते हैं बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क के नाम से भी इसको जानते हैं तो इंडिया में अभी टोटल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो हैं आठ पहला सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में है दूसरा कोचिन केरला में है तीसरा कांडला एंड सूरत गुजरात में है चेन्नई में है तमिलनाडु स्टेट में विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है फ़ालता है जो कि वेस्ट बंगाल में है और नोएडा में है जो कि उत्तर प्रदेश जो कि नोएडा का आप जानते होंगे एन एस ई जेड नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जो के नाम से इसको जानते होंगे वहीं पे मध्य प्रदेश में इंदौर में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो डेवलप हो रहा है तो ये एस ई जेड होते हैं एस ई जेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट कंपनीज़ को मौका दिया जाता है कि वो अपना बिज़नेस वहाँ पर सेटअप करें और प्रमोट करें फ़ॉरन इन्वेस्टमेंट्स करें तो इसलिए स्पेशली एक इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाता है जहाँ पे कि अदर uh, पार्ट पे जो इकोनॉमिक लॉ फॉलो होते हैं वो उससे डिफरेंट इकोनॉमिक लॉ उस एरिया में फॉलो किए जाते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके इसीलिए एक ऐसा जोन बनाया जाता है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक लॉ जो है एप्लीकेबल होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं वहां पर कुछ छूट मिलेगा कुछ जो है छूट नहीं मिलेगा जो कि बाकी जगहों पर नहीं एप्लीकेबल होता है तो इसलिए इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है तो यू ऑल द बेस्ट कीप वाचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर वीडियो